एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8। आजकल तो इंडिया में एक ही चीज चल रही है और वो है कबड्डी। और आज का जो मैच है वही यूपी योद्धा माय बेस्ट टीम और दूसरा बंगाल वॉरियर्स। तो अभी तो यूपी योद्धा जीत रही है, 14 पॉइंट हो चुके हैं और बंगाल के 4। तो भाई स्टार स्पोर्ट्स में आ रहा, आप लोग भी इसका एंजॉयमेंट करो। और ये है हमारे बच्चू जो कि खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप? पॉपकॉर्न। इसे लग गया डर क्योंकि वहां पर सुपर टैकल आ रहा है ना, और वहां पर दिख रहा है शेर टाइप का, शेर है तो इसको लग गया डर और ये आगे मेरी ओर छिपने के लिए। देखो जबरदस्त दिख रहा शेर। कबड्डी वाले भी ना पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं कमलेश आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल कमल पहाड़ी ब्लॉग फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो ब्लॉग है ना, वो ब्लॉग है मोदी जी ने आज से 6 साल पहले ना बहुत बड़ा कांड किया था। अब किया क्या था वो आपको इस वीडियो में तो पता चल जाएगी, आगे के देखते रहना। तो फ्रेंड्स लास्ट देखना है वीडियो, तभी जाके आपके समझ में आएगा कि मोदी जी ने ऐसा क्या किया। एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। आज से जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मोदी ने आज के मतलब आज ही दिन 8 नवंबर को बहुत कुछ कांड किया। वैसे करते तो रात को ही है वो 8 बजे बाद या 12 बजे बाद, जैसे उन्होंने लॉकडाउन लगवाया सन 2020 में, वो भी 8 बजे उन्होंने 8 या 9 बजे घोषणा की थी कि कल से संपूर्ण लॉकडाउन पूरे भारत देश में होगा। तो फिर ऐसे ही उन्होंने आज से 6 साल पहले ना नोटबंदी करी, तो उन्होंने बोले कि 500 और 1000 के नोट तो कल से चलेंगे ही नहीं, और बाकी में हुआ भी वैसे ही। लंबी लंबी कतारें लग गई वहाँ ये एटीएम के सामने, तो चले नहीं तो लोगों ने जमा किए, बैंकों में कतार लग गई। हम भी परेशान हुए थे, मैं तो उस समय ना गोवा के पुणे के टूर में था, तो वहाँ से गोवा घूमने गए थे, तो मैं मेरे साथ ही फ्रेंड्स थे, तो हमें पता नहीं कि हमने कैसे वहाँ लंबी 2 घंटे की लाइन लगी थी हड़पसर में। तो उस 2 घंटे के उसमें ना हमें पता कि कैसे हमने वो टाइम काटा था। फिर वहाँ से हम गए गोवा, पैसे भी नहीं थे ज़्यादा, तो गोवा में तो निकल गए थे इजली पैसे, लेकिन पुणे में हमको बहुत दिक्कत रही। और तभी से ना ऑनलाइन वाला जो सिस्टम आया ना, ये तभी से थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, वरना पहले तो कमी लोग करते थे, कमी लोगों को पता रहता क्रेडिट कार्ड ये सारी चीज़ें, ऑनलाइन पेमेंट जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे, फ़ोनपे, तो गूगल पे फ़ोनपे तो बाद में आए, पेटीएम था पहले, लेकिन अगर इसका पूरी तरह देखा जाए भी बाद में हुआ है पूरी तरह से, मतलब 2016 के बाद से। तो फ्रेंड्स ये किया था मोदी जी ने। और आज डिनर बन रहा है आलू बीन्स। तो फ्रेंड्स अब तो लीड हो गए सिर्फ 1 पॉइंट की, और वाकई में बंगाल वॉरियर्स ने ना काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। तो पता नहीं क्या होगा, अभी तो टाइम बचा है 5 मिनट 35 सेकेंड। तो रेड में गए हैं मानसिंह है शायद वहाँ के बंगाल के। ये है सुपर रेड जो कि प्रदीप नरवाल ने किया है, गजब यार, 3 पॉइंट लेके, और इन 3 पॉइंट से ना इसने अपना स्कोर कर दिया एवरेज। मैच हो गया टाई, दोनों ने अकेले 41 पॉइंट हो गए और ये मैच हो गया टाई। कोई ज़रूरत नहीं थी इतने अंदर जाने की, लेकिन कोई नहीं, अच्छे खेले बंगाल वॉरियर्स, मैच तो टाई होना ही था। मेरा आज का ब्लॉग जो कि जिसमें कि मैक्सिमम टाइम तो मैंने नोटबंदी पे दिखाया था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स। तो आपको अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर नहीं किया होगा तो क्या होगा, तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और मेरे वॉच नंबर है। तब तक के लिए जय उत्तराखंड। डिनर की तैयारी हो चुकी है, आलू बीन की सब्जी बनी है और साथ में है गैंछा। गैंछा को कैसे बनाया जाता है इसके ना किसी और वीडियो में किसी और दिन दिखाऊंगा मैं आप सभी लोगों।